हेलो हाँ बोल जी, आप जैसे कहे थे ना हम बिल्कुल वैसा कर दिए हैं। वो बड़ी मैडम और पुष्पा बहन दोनों अस्पताल पहुंच गए हैं। जानता हूँ, बड़ी सयानी हो गई रे शारदा तू। हाँ बस आपको खुश करने के लिए, अब तो आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना। सुनिए ना, ये सब करके हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो बदला पूरा हो गया ना आपका। चुप कर, बकवास मत कर। अभी बदला पूरा कहाँ हुआ है, ये तो अभी बदले की शुरुआत है। शुरुआत मतलब? हमको समझे नहीं। अरे देवीना को तो हमने चोट इसलिए पहुंचाई है ताकि डॉक्टर ईरा और उसके पति का ध्यान बढ़ जाए। अपना असली निशाना तो वो बच्ची है मिश्री। क्या करना चाहते हैं आप मिश्री के साथ? देखिए देखिए, वो तो छोटी सी बच्ची है ना, वो बहुत प्यारी बच्ची है। वो बिल्कुल हमारे रूमचम की जैसी है ना। वो उसके साथ कुछ मत कीजिएगा। आपकी आपकी दुश्मनी तो उस ईरा से है ना? उसके साथ है ना आपकी दुश्मनी? उस छोटी सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये सब में उस बच्ची का क्या दोष है? ज्यादा जबान मत चला, छोड़ के चला जाऊंगा ना तो सड़क पर भीख मांगती रहना। एक बार फिर से सोच लीजिए ना। चुपचाप वही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। एक बार चला गया ना तो दोबारा लौट के नहीं आऊंगा तेरे पास। क्या करना होगा मुझे? ध्यान से सुन, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो गड़बड़ हुई ना तो छोड़ के चला जाऊंगा मैं तुझे। जानती है ना, मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। गंदा देने वाला नहीं मिलेगा तुझे। याद रखना, भीख मांगेगी भीख। मापू बड़ी माँ, कहाँ हो आप लोग? सुन, आ गया अपना शिकार, लग जा काम पे। अच्छी खबर सुना, चल